गेहूं के आटे से और एक एप्पल से बनाए हमने ये ढेर सारे कुकीज। अब मैं आपको एक पीस कुकीज तोड़ के दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी। तो आप कोई सा भी कुकीज नहीं, आप ये देख सकते हो कितने बढ़िया कलर में, गोल्डन कलर में सीख करके तैयार हुए हैं। ये थोड़े से डार्क हो गए हैं, थोड़ा टाइमर ज़्यादा हो गया इसके लिए। और इनको मैंने 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बेक किया था, कढ़ाई में भी 10 से 15 मिनट इसको बेक किया जा सकता है। तो चलिए एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ, दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने खस्ता बने हैं, आप देख सकते हो। तो ये सबसे पहले लोग रिजल्ट ही देखना चाहते हैं, रिजल्ट अच्छा होता तो वीडियो देखते हैं। तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, आपके बिस्किट्स बिल्कुल खस्ता और क्रंची बनेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एप्पल को छीलेंगे और उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ देंगे। पहले छील लेना है, फिर छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेना है, फिर जार के अंदर डाल करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक एप्पल को कट कर लिया है और इसको जार में डाल दिया है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा मलाई वाला दूध और शुगर। तो एक बड़ा चम्मच मैंने मलाई वाला दूध लिया है और इसके अंदर थोड़ी सी हम मीठा करने के लिए चीनी डाल देंगे। तो दूध और चीनी डाले बगैर तो ये पीसी नहीं जाएगी, क्योंकि एप्पल को ऐसे ही पीस पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने पीस लिया है, अब मैं इस कटोरी के अंदर इसको छान करके ले लेती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एप्पल वाले कुकीज, नट्स कुकीज। बहुत ही अच्छे बनते हैं, टेस्ट में अच्छे लगते हैं और खाने में भी आपको बहुत मजा आएगा। एक बार बनाएंगे और महीनों भर तक आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो डिजाइंस आप अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी बनाना एकदम इजी है। तो जूस को मैंने छान लिया और अब लिया मैंने एक बाउल। बाउल में डाला है 50 ग्राम से 100 ग्राम तक घी, आप ले सकते हैं जितनी क्वांटिटी में हम बनाना चाहें उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम घी, आप अगर थोड़ा बनाना चाहें तो 50 ग्राम भी ले सकते हैं एक बार में। और 100 ग्राम घी लेकर के मैंने उसको अच्छे से बीट किया। नीचे मैंने आइस कंटेनर लगा लिया और अब हम इसको, क्योंकि हमारे सारे बच्चे को बिस्किट सब घर के ही पसंद आने लगे, तो ये बिस्किट्स के प्रोसेस में मेरी मदद करते रहते हैं। और 100 ग्राम घी के अंदर मैं 100 ग्राम ही शुगर पाउडर डाल दूंगी। तो आप देख सकते हो 100 ग्राम घी और 100 ग्राम शुगर पाउडर का हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नीचे आइस कंटेनर लगा हुआ, तो इसको व्हिप होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट में ही आपके जो है ना एकदम से फ्लफी दोनों का मिश्रण और एकदम से हल्का हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया सा बैटर तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस इसी तरह से आप करेंगे तो आपके बिस्किट्स भी बहुत ही अच्छे बनेंगे, यानी गजब के बनेंगे। तो आपको नीचे आइस कंटेनर लगाए रखना है और इसको अच्छे से व्हिप करना है 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके बिस्किट बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा आइस का टुकड़ा डाल करके 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको व्हिप किया। जब ये एकदम से व्हाइट और क्रीमी टेक्स्चर में हो गया तो मैंने कंटेनर को हटा दिया, मतलब आइस वाले कंटेनर को हटा दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आटा, क्योंकि हम आटे वाले एप्पल वाले आटे और एप्पल के कुकीज बनाने जा रहे हैं। तो एप्पल वाला जूस भी हम यूज करेंगे, आटे का भी हम यूज करेंगे। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो सेम ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो मतलब आपका जो क्रीम यह है तो घी और शुगर का मिश्रण बिल्कुल हल्का लाइटली हो जाना चाहिए, तब आपको आटे को और वो बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं। तो मैंने इसको 2 मिनट पहले बीट किया, 2 मिनट उसके बाद में बीट किया, 4 मिनट के लगभग इसको अच्छे से बीट कर लिया। अब मैं इसके अंदर पहले डालूंगी, ये देखिए ये एप्पल वाला है जूस, ये मैं बाद में डालूंगी, अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि कितना गाढ़ा पेस्ट साउथ एप्पल का जूस जो है वो तैयार हुआ है। तो 1 पिंच के लगभग मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा नमक से आपके बिस्किट्स बहुत ही टेस्टी होंगे। अब हम इसके ऊपर एक झारा लगाएंगे और इसमें डाल देंगे 200 ग्राम आटा, नॉर्मल गेहूं का आटा लेना है। ध्यान रखिए 200 ग्राम आटा और साथ में आप इसके अंदर 20 से 30 ग्राम सूजी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगे और आपको पसंद हो, क्योंकि सूजी से बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं। 1 चम्मच के लगभग बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच के लगभग बेकिंग सोडा लेंगे। इसी चम्मच से नाप के लिया मैंने बेकिंग पाउडर फुल भर के लिया
और बेकिंग सोडा आप देख सकते हो आधा चम्मच खाली है, यानी आधा चम्मच ही लेना है। तो आपके पास मेजरमेंट वाला स्पून हो तो आप उसे मेजरमेंट करके ले सकते हैं। तो ये मेजरमेंट स्पून है, इसे नाप जो है बराबर रहता है। तो एक चम्मच भर करके आपको बेकिंग पाउडर लेना है, आधा चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, दोनों को डाल देना और अच्छे से छान करके लेना है। जब भी आप कभी किसी तरह के बिस्किट बनाए तो कृपया जो आटा मैदा सूजी जो भी यूज करें तो उसको छान करके ज़रूर लें। उससे क्या है कि आटे के अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होती है और बिस्किट्स फ्लफी खस्ता और क्रंची बनते हैं। पूरी सारे मिश्रण को अच्छे से छान लिया है, अब हाथों से या फिर इसी मिक्सर से हम मिक्स करेंगे। उससे पहले वो थोड़ा सा जो एप्पल वाला जूस हमने निकाल करके रखा है वो डाल देते हैं, क्योंकि सारा डालूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं सारा नहीं डालूंगी, इसमें लगभग आधे के लगभग डाल देती हूँ। बस ये थोड़ा गाढ़ा ही है वैसे, और इसमें थोड़ा सूजी डालेंगे तो ये प्रॉपर बेटर जो सूजी है ना, ये पूरा जो इसका लिक्विडपन है एप्पल का वो सोख लेगी, और बैटर वैसे थोड़ा गीला गीला ही रखूँगी मैं। आज वाले जो मेरे बिस्किट्स हैं उसका बैटर एकदम से टाइट नहीं रखूँगी, हल्का सा हम इसको गीला ही रखेंगे। इससे आप चाहे जैसी सेप बिस्किट्स को दे सकेंगे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो गया है, तो अब हमें जो सूजी मिलानी है 20 ग्राम के लगभग, वो सूजी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो इसी तरह का आपका मिश्रण, थोड़ी सी सूजी का ऐड कर सकते हो सकता है बिस्किट, क्योंकि आप जब फीके डालेंगे एप्पल वाला जूस तो मिश्रण ऑटोमेटिकली गीला होगा ही, तो आपको सूजी ऐड करना ही पड़ेगा। सूजी ऐड कर लीजिएगा, घबराइएगा मत बिल्कुल भी कि भाई बैटर गीला हो गया क्या करें। तो आप वहाँ पे सूजी ऐड कीजिएगा, और जो शुगर मैंने आपको बताई है 100 ग्राम, उसकी जगह आप चाहे तो 125 ग्राम कर सकते हो, ताकि आपके बिस्किट्स मीठे मीठे बने। अब 10 मिनट तक मैंने बैटर को रेस्ट पे छोड़ दिया। अब नीचे से ये, क्योंकि मैंने ये फ्रिज में रख दिया था बैटर को, ताकि थोड़ा सा ये टाइट हो जाए, सूजी अच्छे से सेट हो जाए, तो बैटर थोड़ा टाइट हो गया है। अब इसको आप चाहे तो बेल करके भी ले सकते हो, हाथों से इस तरह से फैला करके कोई भी शेप आप इसको दे सकते हो, और वैसे हाथों से भी इसके बहुत अच्छा शेप लग सकता है। तो बेल करके, बेलने से क्या होता है थोड़ा गीला है बैटर इसलिए चिपक सकता है, तो आप चाहे तो सीधे हाथों से या कोई भी प्रकार का कटर लेकर के उससे कटिंग कर सकते हैं, हाथों से इसका शेप दे करके भी बेक कर सकते हैं। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स लगा दिए बेल करके, और अब किसी भी कटर से मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। जो भी आपको देखिए, ये मैंने गोल वाला साइज लिया है और इस तरह से मैं इसको कटिंग करूँगी। तो चाहे तो आप गोल बनाइए, चाहे आप इस तरह से बनाइए, बिस्किट्स आपके अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो ज़्यादा मोटा नहीं लिया मैंने, ना ही ज़्यादा पतला लिया है, लगभग आधा इंच की मोटाई रखी है बिस्किट्स की, और इस तरह से मैंने बिस्किट्स को सारा तैयार कर लिया है। चलते हैं माइक्रोवेव या ओवन की तरफ। तो इसको मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लिया, और अब मैं लगा देती हूँ टाइमर 10 मिनट का, 10 मिनट इसको बेक होने देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारी बिस्किट्स कितनी बढ़िया से बेक हो गई हैं, बहुत ही अच्छे फूल करके आए हैं। कढ़ाई में अगर आप बेक करना चाहते हैं तो नमक को प्री हीट करें और उस पर स्टैंड लगा दें। बिस्किट्स हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, तो इस तरह से बैटर को करेंगे, फिर इस ढक्कन की सहायता से इसका ये वाला शेप बनाएंगे। शेप को हम हाथों में उठाएंगे, ड्राई फ्रूट्स से ऐसे कोट करेंगे, और बिस्किट्स को ऐसे ट्रे में रखते जाएंगे। तो पूरा ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ट्रे को मैंने तैयार कर लिया है, तो इस ट्रे को रख देती हूँ मैं ये प्री हीटेड नमक के ऊपर, और लगा देते हैं ढक्कन। तो ये मैं इसके ढक्कन लगा देती हूँ, और इसे पकाते हैं 10 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पे, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। थोड़ा सा बैटर लेना है, ठीक है, बैटर को इस तरह से हाथों में लेंगे एक बिस्किट्स के जितना, ऐसे फैलाएंगे हाथों से, पहले दबा करके बराबर से सेप में फैला लेंगे, फिर ये वाला ढक्कन लेंगे, इसके नीचे हम इस तरह से 2 से 3 ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। ये मैंने 2 से 3 ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं। अब ये जो बिस्किट्स मैंने प्रिपेयर किया है इसको मैं इसके अंदर लगाऊंगी ऐसे,
हल्का हल्का दबाते हुए इसका शेप बराबर कर लेंगे। बीच से थोड़ा थोड़ा दबाएंगे हल्का हल्का, तो ये बॉर्डर से इसका जो शेप है वो बराबर हो जाएगा ऑलरेडी। ऐसे हल्का हल्का आपको चारों तरफ से दबाना है कि बराबर से शेप आ जाए। उसके बाद में ऐसे इसको आपको निकाल लेना है। ये देखिए, ये आपका बिस्किट्स कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से बिस्किट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं, पूरी ट्रे तैयार कर लिया है। बेक कैसे करते हैं नीचे वीडियो लिंक दी हुई है, आप उसे देख करके और बिस्किट्स को बेक कर सकते हो। कढ़ाई में भी बेक किए जा सकते हैं और माइक्रोवेव ओवन ओटेज आप किसी में भी इसको बेक कर सकते हो। सुपर यार, एप्पल वाले बिस्किट्स जब आप भी घर पे बनाएंगे ना तो सरप्राइज हो जाएंगे। घर के सारे ही पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया। और देख सकते हो कितना प्यारा सा कलर आए हैं। अभी बहुत गर्म है फिर, और गिल्ले भी है अभी। जब ये थोड़े सूख जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तब मैं आपको इसको तोड़ करके भी बताऊंगी। तो पहले इनको, क्योंकि नीचे से कलर डार्क ना आए। अब ये देखिए, ये देखिए किस तरह से गीला है ना, ठंडे होने के बाद आप देखिएगा। तो मैंने इनको ठंडा करने के लिए ऐसे रख दिया है। ये मैंने कुछ इस तरह का बिस्किट्स प्रिपेयर किया है इस बैटर से। चलिए, तो ये पूरा ट्रे, एक ट्रे जो है ये बिस्किट्स हम बना लेते हैं। तो मैंने ट्रे में रख दिया इसको। अब अगर हम चाहें तो देखिए, इस शेप के भी बिस्किट्स जो है ना वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर हम सिर्फ एक ये ऐसे नट्स लगाएंगे और ये छोटे छोटे बिस्किट्स हम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। क्या करना है आपको, थोड़ा सा बैटर लेना है, इस तरह से हाथों से उसको वैसे दबाना है, बैटर को ऐसे थोड़ा फैलाना है। एकदम आसानी से कुकीज़ बन जाएंगे और शेप भी बहुत ही सुंदर आएगा और बच्चों के लिए ना बहुत ही अच्छे होंगे। ये देखिए, ऐसे बना लिया। अब आप इसके ऊपर इसको ऐसे गार्निशिंग कर सकते हैं ड्राई फ्रूट से। तो इसी तरह से हम अपने सारे बिस्किट्स जो बना लेते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी से प्लेट में लगा देंगे। कन्वेंशन मोड पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसको पहले प्री हीट करेंगे। ये देखिए, ये प्री हीट होना शुरू हो गया है। जैसे ये प्री हीट होगा, हम 10 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। आप देख सकते हो प्री हीट हो चुका है। तो अब हम इसको ऑन करेंगे और अपनी ट्रे को इसके अंदर सेट कर देंगे। ठीक है, बंद करेंगे, 10 मिनट्स का टाइमर लगाएंगे। ये देखिए, 10 मिनट्स हो गया है और अब हम इसको स्टार्ट पे ओके कर देंगे। तो ये देखिए, बेक होना शुरू हो गए हैं। प्रीहीट हो जाए, इस तरह से रखें और इसको 10 मिनट के लिए आपको बेक करना है। उसके ऊपर आप ढक्कन लगा दीजिए और एकदम गैस का फ्लेम स्लो करके, और एकदम स्लो फ्लेम करके और 10 मिनट तक आप इसको बेक करें। और माइक्रोवेव या ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले इसको प्रीहीट करें। जब ये प्रीहीट हो जाए, ये प्रीहीट हो चुका है, तो इसको भी हम ट्रे को यहाँ पे रख देते हैं और 10 मिनट के लिए इसको बेक करते हैं। तो ये 10 मिनट का टाइमर लगाते हैं और इसको बेक करते हैं। हमारे बिस्किट्स ऑलरेडी बेक हो चुके हैं, ये आप देख सकते हो किस तरह का कलर आया है और कुकीज कितने प्यारे बने हैं। वाओ, सुपर सरप्राइजिंग कलर। थोड़ा सा डार्क है और इसी ट्रे में आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइट है। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप रिजल्ट देख लीजिए। ये हमारे कुकीज हैं, ये देख सकते हैं आप, इनको हमने घर पे बनाया है। और सबसे पहले मैं आपको एक पीस तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। इस ये देखिए कितने सॉफ्ट क्रंची खस्ता है। मैं आपको खा के भी दिखा रही हूँ, कितने बढ़िया बने हैं।
चलिए हम आपको एक पीस और तोड़ करके दिखा देते हैं। ये देखिए, चलिए आप इसको पास से देखिए इसकी जाली, ठीक है। तो अब हम आपको इसको बनाने का तरीका भी बता देते हैं, एप्पल से कैसे हम कुकीज घर पे बनाएं।